तो हम लोग आए हैं यूपी देवरिया है ये, और यहाँ पे आज से 15 दिन पहले ये सिस्टम लगा था। और ये सिस्टम हम लोगों ने नहीं लगाया था, ये सिस्टम लगाया था किसी और ने। और ये सिस्टम हाइब्रिड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये सिस्टम अभी तक सही तरीके से चालू नहीं हो पाया है। तो ये है सर, यहाँ के ऑनर हैं जिन्होंने ये सिस्टम लगवाया। तो सर पहले अपना नाम बताइए और क्या क्या प्रॉब्लम आई है इस सिस्टम को लगाने में उसके बारे में बताइए। मेरा नाम प्रिंस मदेसिया है। ये सिस्टम तो इंस्टॉल हुआ था 15 दिन पहले, लेकिन जिन्होंने भी इंस्टॉल किया था उनको शायद मालूम नहीं था कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, तो वो स्टार्ट कर नहीं पाए थे। तो और 15 दिन से ये चल तो रहा नहीं है, इसकी जगह मेरा जनरेटर चल रहा है और काफ़ी दिक्कत आ रही है। मेरे जनरेटर का 4000 का पेट्रोल भी जल चुका है, और इससे पहले दूसरी कंपनी का लगा हुआ था और वो तो बेकार था। वो तो 1.5 साल से लगा हुआ था। ओके। और वो तो दूसरी कंपनी का था, वह तो देखो जल गया। ट्रांसफार्मर बेस्ड था वो तो जल गया। तो एक चीज और भी है, यहाँ का जो इंस्टॉलेशन था कुछ समय पहले हमको मिलने वाला था, मगर किसी रीजन से नहीं मिला। सर को जो था लोकल वालों पे ट्रस्ट ज्यादा था। मैंने दूसरे वाले से करवाया, लेकिन वो बेकार कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि काम क्या क्या गलत हुए, क्योंकि इन सर को तो ज्यादा नहीं पता है, सिस्टम चल नहीं रहा है, तो वैसे ही इनका दिमाग अभी सही नहीं है क्योंकि सिस्टम नहीं चल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, सबसे पहले देखिए, ये सिस्टम जो है 8 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, और यहाँ पे देख सकते हो 8 किलोवाट लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो वायर का जो रेटिंग होना चाहिए, वायर का रेटिंग 10 किलोवाट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इसको इनपुट जो दिया हुआ है, इनपुट और आउटपुट 6-6 किलोवाट दिया हुआ, देख सकते हो यहाँ पे ये 6 mm लिखा हुआ है। पास में दिखाइए, 6 mm लिखा हुआ है। और यहाँ पे इस तरीके से वायर का गेज कम है। और दूसरी बात यह है, ये ACDV बॉक्स है। इस ACDV बॉक्स के अंदर सिर्फ चेंज क्या हुआ है, ये देख सकते हो 63 एम्पियर का इसमें ब्रेकर लगा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे जो इसके अंदर की जो वायरिंग है वो 4 square mm की वायरिंग है, उसको भी चेंज नहीं किया गया है। तो इसके अंदर 10 mm की वायर लगनी चाहिए, वो भी नहीं लगा। और ये प्रॉपर तरीके से जो है, ये ब्रेकर है, 4 बैटरी है, इनको ब्रेक करने के लिए ब्रेकर लगाना चाहिए, वो भी नहीं लगाया। अर्थिंग किया हुआ है, यहाँ तक इसमें वायरिंग ओके है, मगर ऊपर जो है इन्होंने ओपन वायरिंग किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी फिर से वायरिंग करेंगे और नए जगह पे इसको लगाएंगे। और इसको इतना नीचे लगा रखा है अंदर को कि ये हीट हो रहा है, हम इसको लगाएंगे बाहर, जिससे कि फैन से इसको कूलिंग भी मिलेगा। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक जनरेटर है, जनरेटर को स्टार्ट करने वाला स्टार्टर है। तो यहाँ तक ये सब 6 mm की वायर का यूज़ किया गया है। और अर्थिंग में क्या क्या गलत काम किया, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहा हूं, जो भी है ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया जितना उनको पता था। मगर ये सिस्टम जो है नई टेक्नोलॉजी का है, हाइब्रिड है, तो इसको अच्छी तरीके से लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अर्थिंग जो है बैक साइड में कराया गया है, जैसा कि ये यहाँ पे, तो ये जो अर्थिंग है, यहाँ पे 3 अर्थिंग है, आप ये देख सकते हो पूरी, ये एक वायर गई है लाइटिंग अरेस्टर के लिए, ये पूरी, इसमें कोई भी इंसुलेटर नहीं है, कहने का मतलब कोई भी PVC पाइप नहीं लगा हुआ है, सीधा ये क्लिप ठोक दिया गया, और ये गलत है। और ये देख सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर भी पूरा केमिकल नहीं है, इसके अंदर भी पूरा केमिकल नहीं है, कोई भी इसमें पाइपिंग नहीं किया गया है। और ऊपर जो दोस्तों पैनल लगे हुए हैं, ऊपर उन पैनल के स्टैंड में अर्थिंग नहीं पहुंची हुई है। अगर फ्यूचर में कभी पैनल को धोते हैं, क्योंकि धोना तो पड़ेगा, तो उसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत करंट आए, तो इसलिए बॉडी अर्थिंग करना जरूरी है। तो अगर आप लोग सिस्टम हाइब्रिड कूलर लगवाना चाहते हो, तो आप ऐसे लोगों से लगवाएं जिनको उस चीज़ का ज्ञान हो। ये दोबारा इंस्टॉलेशन करना पड़ रहा है दोस्तों। जो हमारी साइट थी वो कम्प्लीट हो गई है, क्योंकि इसका री इंस्टॉलेशन करना था। तो आप ये देख सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे ये साइट लगाई है, और यहाँ पे इस समय जो जनरेशन हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सोलर पैनल से जो है उसकी जनरेशन ये देख सकते हैं, यहाँ पे 3821 वाट के आसपास हो रहा है। और यहाँ पे जो लोड चल रहा है वो 3 किलोवाट के आसपास लोड चल रहा है। और जो सोलर ग्रिड है, इस समय लाइट है मगर लाइट से नहीं ले रहा है वो। और यहाँ पे कुछ % वाली बैटरी भी चार्ज हो रही है, ये देख सकते हो 9 एम्पियर के आसपास।
तो जानते हैं सिस्टम जब हमने शिफ्ट किया है उसके बारे, उसके बाद जो इसका फीडबैक है उसके बारे में सर से जानते हैं। सर एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। ये सिस्टम जो है वहां से यहाँ शिफ्ट किया है, अब ये सिस्टम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है और घर का सारा लोड चल रहा है। एसी, दो एसी या तीन एसी भी मैं दे देता हूँ, चल रहा है। बैटरी है उसके हिसाब से बैकअप थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। इंस्टॉलेशन आपको कैसा लगा सर? हम लोगों का बहुत अच्छा लगा, जो भी थोड़ी बहुत कमियां थी मैंने इनसे बोला और उन्होंने सब कंप्लीट करके दिया है। हर एक चीज मैंने छोटी सी छोटी बारीकी पर इन्होंने ध्यान दिया है, सब कुछ अच्छे से किया है। इसमें जो है हम लोगों ने जेनसेट से भी चार्जिंग का ऑप्शन दिया है और जो जनरेटर है 8 किलोवाट का वो आपका ऑटोमेटिक चल रहा है, वो सारा कुछ है। क्या आपने ये प्लान किया था कि सोलर भी चलेगा और हमारा उसके बाद में बैटरी अगर डिस्चार्ज होता है तो हमारा जनरेटर भी चल जाएगा, ऐसा आपने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं नहीं पहले तो ऐसा बड़ा कंफ्यूजन था कि ये चलेगा कैसे, लेकिन अब ये अच्छा है कि लाइट रहेगा तो ये लाइट से सोलर से चलेगा और ये जब ये भी खत्म हो जाएगा इन्वर्टर तो जनरेटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और घर का सारा लोड चलेगा। तो क्या अभी सिस्टम से खुश हो? अरे बहुत अच्छा, अभी तो अभी तो हंस रहा हूँ मैं, इससे पहले रो रहा था। यानी कितने दिन तक आपको तकलीफ हुआ इस सिस्टम ने दुखी किया, कितने दिन तक? ये मतलब थोड़ा सा इन्वर्जी वालों ने बहुत ही उनका रिस्पांस सही नहीं रहा, बहुत सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, लेकिन भैया ने सब कर दिया। अभी ठीक है? अभी ठीक है। अगर कोई इस तरीके का सिस्टम लगाना चाहेगा तो उससे आप बोलोगे लिथियम बैटरी लगाए या लेड एसिड बैटरी? ये बैटरी भी ठीक है लेकिन बैकअप उतना अच्छा नहीं देगी, आप अगर बजट हो तो आप लेड एसिड नो लेके लिथियम वाला ही लीजिए। ठीक है सर, आप कुछ लोगों से कहना चाहोगे सोलर के विषय में? अगर घर का बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो आप सोलर पे जा सकते हैं, थोड़ा सा बजट एक बार में ज्यादा लगता है लेकिन फिर बाद में आपको लाइफ टाइम मतलब 25-30 साल आपको फिर मजा आएगा। ओके ठीक है सर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो, ये हम लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल है, मेल आईडी है, अगर आपका नंबर नहीं लगता तो आप मेल भी कर सकते हो। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल खालसा इलेक्ट्रिकल्स को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे है तो फॉलो कर ले।